एक तेज रफ्तार तेल टैंकर अनियंत्रित हो गया और उसने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। यह हादसा इतना खतरनाक था कि बाइक सवार पिता पुत्र की जान चली गई। सितारगंज से खटीमा की तरफ आ रहे एक तेज रफ्तार तेल टैंकर ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। टैंकर तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हुआ था, लेकिन कहा जा रहा है कि टैंकर चालक को नींद की झपकी लग जाने के कारण ये दुर्घटना घटी, जिसमें खटीमा से उमरिया जा रहे बाइक सवार पिता पुत्र दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना में जान गंवाने जाहिर और उसके पुत्र अमन है। इस घटना की सूचना मिलने पर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं टैंकर चालक को नानकमत्ता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आज लगभग 9 बजे के करीब सितारगंज से खटीमा की तरफ एक टैंकर आ रहा था, तो शायद उसको नींद आ गई, इसकी वजह से वो जो रोड के किनारे होता है उससे टकराया और फिर वो अनियंत्रित हो गया। तो इसमें जो खटीमा से सितारगंज की तरफ बाइक में दो लोग जा रहे थे, तो टैंकर ने उन पर टक्कर मार दी, तो जिनको फिर पुलिस के द्वारा और जो लोकल पब्लिक है उनके द्वारा सरकारी हॉस्पिटल जो खटीमा है वहाँ पर भर्ती कराया गया। तो डॉक्टर्स के द्वारा उन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। अब वहाँ पर पंचायतनामा और PM की कार्रवाई चल रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।